वेलकम बैक टू दिस YouTube चैनल गाइज, आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो दोस्तों, आज के सफ़र की शुरुआत हुई देहरादून से और हम लोग जा रहे हैं महासु महाराज के दर्शन करने के लिए, जो है हनोल में, और ये देहरादून से ऑलमोस्ट 180 किलोमीटर दूर है। और यहाँ जाने के लिए आपको चकराता की खूबसूरत वादियों से होके गुजरना होता है। और यहाँ पर पहाड़ियों में जो रास्ते हैं, जो सड़कें हैं, यहाँ पर बाइक राइड करने का अपना एक बहुत ही अलग मज़ा है। बीच में हम लोग जा ही रहे थे, चकराता हमने क्रॉस किया था और एक बहुत ही खूबसूरत सी लोकेशन हमको दिखी। इस जगह का नाम है कोटी कनासर। यहाँ पर इन घने जंगलों के बीच में एक बहुत छोटा सा मंदिर है और काफ़ी पौराणिक मंदिर इसको माना जाता है। बहुत खूबसूरत सी लोकेशन है, एक बहुत बड़ा सा एक आपको ग्राउंड एरिया फील्ड टाइप का एक देखने को मिलेगा। तो आप आराम से यहाँ पर कुछ देर रुक सकते हैं, सुकून भरे पल बिता सकते हैं। तो हम लोग भी यहाँ पर कुछ देर रुकने के बाद आगे मूव करने के लिए रेडी थे, तभी हमें छोटे छोटे बच्चों के कुछ एक ग्रुप दिखाई दिया। तो हमने सोचा क्यों ना इनसे दोस्ती करते हुए आगे बढ़े। तो दोस्तों, मन था इन बच्चों से थोड़ी देर और बातें की जाए, लेकिन हम लोग ऑलरेडी काफी लेट हो गए, तो अब हमें आगे बढ़ना होगा। तो दोस्तों, ये है त्योनी और यहाँ पर मेरी बहुत अच्छी दोस्त रहती है जिसका नाम है निया, और हम लोग निया के घर पे ही रुके हैं। हम लोग अब निकल चुके हैं त्योनी से हनोल की तरफ और वहीं पर महासु देवता का मंदिर है और ये जगह त्योनी से 14 किलोमीटर दूर है। तो जब आप महासु देवता मंदिर की तरफ जाते हैं त्योनी से, तो उससे पहले जो महासु देवता हैं उनके एक भाई हैं जिनका नाम है बाशिक महाराज, उनका मंदिर है। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना यहाँ पर भी दर्शन करते हुए आगे बढ़ें। और ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर जो आप मंदिर के ऊपर ये पूरा वुडन वर्क देख रहे हैं, ये बहुत ही अमेजिंग लग रहा है देखने में और बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, फाइनली हमारी मंजिल आ चुकी है और देहरादून से पूरा 180 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हम लोग महासु देवता मंदिर पहुँच चुके हैं। तो अपनी गाड़ियाँ वहाँ पर पार्क करने के बाद हम लोग मंदिर की तरफ निकल पड़े हैं। बिल्कुल गांव के बीचों बीच है मंदिर, तो आपको बिल्कुल भी पैदल नहीं चलना पड़ता और प्रसाद की दुकानें भी आपको ठीक मंदिर के बाहर ही मिल जाती हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपने शूज़ वगैरह उतार दिए हैं। ये सामने आप देख रहे हैं, ये है मंदिर का मुख्य द्वार। तो दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार सबसे पहले इस जगह पर पांडव आए थे और बाद में यहाँ पर एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था होना भट्ट, उनके नाम पर ही इस जगह का नाम हनोल रख दिया गया। कलयुग की जब शुरुआत हुई थी, उस टाइम पर उत्तराखंड में राक्षसों का आतंक बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और फिर जो ब्राह्मण थे होना भट्ट, उन्होंने कश्मीर में जाके भगवान शिव की तपस्या की और महासु महाराज के चार भाइयों के रूप में फिर भगवान शिव उत्तराखंड में अवतरित हुए और उत्तराखंड की धरती को राक्षसों के आतंक से मुक्त किया। दोस्तों, महासु देवता एक नहीं बल्कि चार देवताओं का सामूहिक नाम है और स्थानीय भाषा में महासु शब्द का जो अर्थ है वो है महाशिव। दोस्तों, ये मंदिर उत्तरकाशी जिले में आता है। अगर आप मसूरी की तरफ से आ रहे हैं तो आप
डामटा मोरी से होते हुए भी इस मंदिर तक पहुंच सकते हैं, तो वो भी एक रास्ता है यहाँ आने का। और आप चाहें तो आप देहरादून से विकास नगर से चक्राता होते हुए भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। और अगर आप हिमाचल से आ रहे हैं तो हिमाचल से भी ये मंदिर काफ़ी पास पड़ता है। तो दोस्तों, मंदिर के पास आपको बहुत सारी बकरियां देखने को मिलेंगी। पुराने टाइम पे यहाँ पर इनकी बलि दी जाती थी, लेकिन अब वो सब यहाँ पर बैन हो गया है। तो अब इनको लाते हैं और पूजा करने के बाद इनको छोड़ देते हैं। तो जब तक इनकी उम्र होती है यहाँ पर इसी तरह से फ्रीली घूमते रहते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, यहाँ पर आपको जो है पत्थर दिख रहे हैं, यहाँ पर इनको कहते हैं भीम के कंचे। और ये किसी दूसरी धातु से बने हुए हैं, जिसकी वजह से इनका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा है। आप इनके साइज़ पे मत जाइए, ये दिखने में छोटे लगते हैं बट इनको उठाना बहुत ही मुश्किल है। ये देखिए, यहाँ पर जो भी आता है वो इनको उठाने की ज़रूर कोशिश करता है। हमने भी इनको उठाने की कोशिश करी। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कितनी ताकत लग रही है इनको उठाने में, और आप इस लड़के के चेहरे के एक्सप्रेशन से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने भारी हैं। हम लोग अब निकल चुके हैं पवासी महाराज के मंदिर की तरफ। बिल्कुल पास में ही है वो यहाँ से, और बहुत छोटा सा ट्रैक है वहाँ तक पहुँचने के लिए। हार्डली आपको 10 मिनट लगेंगे और रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। तो दोस्तों, मंदिर दर्शन करने के बाद हम लोग वापस पहुंच चुके हैं त्यूनी, और आज रात भी हम लोग यहीं पर रुकने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी अभी आपने जो क्लिप देखी, ये थी माघ मेले की। आज त्यूनी में माघ मेला है, और अब सब लोग वापस अपने अपने घर जा रहे हैं। तो हमें भी अब वापस निकलना है अपने घर के लिए। मन तो बिल्कुल नहीं है वापस जाने का। यहाँ पर सब लोगों से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। 2 दिन कब निकल गए पता ही नहीं चला। मैं त्यूनी को और यहाँ के लोगों को बहुत मिस करने वाला हूँ। तो अब चलते हैं और मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।